नमस्कार, मैं हर्षवर्धन पंत। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर डेस्कटॉप के बारे में। साथ ही ये बात भी करेंगे कि डेस्कटॉप में जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं उनका क्या कार्य है। आइए बात सबसे पहले डेस्कटॉप की करते हैं। कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद जो स्क्रीन दिखाई देती है वो डेस्कटॉप होता है। इस स्क्रीन पर प्रोग्राम के आइकन एवं फाइल फोल्डर्स होते हैं, जिनको हम किसी भी आइटम्स को आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। इस स्क्रीन पर जो फाइल फोल्डर या प्रोग्राम सबसे ज़्यादा प्रयोग होते हैं उनको रखना चाहिए। अनावश्यक फाइल फोल्डर इस पर नहीं रखने चाहिए। डेस्कटॉप स्क्रीन में कई वस्तुएं, जिन्हें हम ऑब्जेक्ट भी कह रहे हैं, होती हैं, जिनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं: माय कंप्यूटर, माय डॉक्यूमेंट, रिसाइकल बिन, टास्क बार, स्टार्ट मेनू, फाइल्स एंड फोल्डर एंड शॉर्टकट। ये सभी आइकन के रूप में स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। आइए एक एक करके इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानें। माय कंप्यूटर। माय कंप्यूटर का आइकन एक छोटे से कंप्यूटर्स जैसा दिखाई देता है। इस ऑब्जेक्ट में आपके कंप्यूटर में स्टोर की गई प्रत्येक वस्तु यानी ऑब्जेक्ट की जानकारी होती है। माय कंप्यूटर पर कार्य करने से पहले इसे ओपन किया जाता है। माय कंप्यूटर को ओपन करने के लिए माउस के पॉइंटर को उसके आइकन पर ले जाकर डबल क्लिक किया जाता है या एक बार क्लिक करके एंटर की दबाई जाती है। ऐसा करते ही स्क्रीन पर माय कंप्यूटर की विंडो दिखाई पड़ती है। माय कंप्यूटर की विंडो में बाईं तरफ एक पट्टी होती है, जिसे हम स्ट्रिप भी कह सकते हैं, जिसमें उपयोगी कार्यों और स्थानों के लिंक होते हैं। विंडोज़ के शेष भाग को सामग्री क्षेत्र यानी कंटेंट फील्ड कहा जाता है, जिनमें निम्नलिखित ऑब्जेक्ट्स होते हैं: फोल्डर के आइकन, हार्ड डिस्क के सभी आइकन्स, वो प्रत्येक रिमूवेबल डिस्क ड्राइव जैसे फ्लॉपी ड्राइव, सीडी ड्राइव इत्यादि के आइकन। अब हम बात करते हैं कि किस तरह हम माय कंप्यूटर फोल्डर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। विंडोज़ में माय कंप्यूटर के द्वारा हम अपने कंप्यूटर की स्टोरेज यूनिट तथा हार्ड डिस्क के सभी पार्टीशंस को एक्सेस कर सकते हैं। इस प्रकार माय कंप्यूटर में हार्ड डिस्क के किसी भी पार्टीशन के आइकन पर डबल क्लिक कर उसे ओपन किया जा सकता है तथा खोले गए पार्टीशन के विभिन्न फोल्डरों तथा सब फोल्डरों को ओपन कर संग्रहित फाइलों की विस्तृत सूची को देखा जा सकता है, जिसे हार्ड डिस्क एक्सप्लोरेशन कहते हैं। माय कंप्यूटर में प्रदर्शित डिस्क ड्राइव के आइकन पर राइट क्लिक कर शॉर्टकट मेनू में प्रॉपर्टीज़ के द्वारा हार्ड डिस्क ड्राइव के समस्त आंतरिक विवरण जैसे डिस्क का प्रकार, फाइल सिस्टम, ड्राइव की संग्रहण क्षमता तथा उपयोग की जा चुकी मेमोरी तथा खाली मेमोरी स्पेस का संपूर्ण विवरण भी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि माय कंप्यूटर्स फोल्डर क्या होता है और किस लिए आता है। इसके बाद हम बात करेंगे माय डॉक्यूमेंट्स फोल्डर की, कि माय डॉक्यूमेंट्स फोल्डर क्या है। यह कंप्यूटर्स का सिस्टम फोल्डर है। जब हम कोई फाइल का निर्माण करते हैं और उसे सीधे सेव कर देते हैं तो वह माय कंप्यूटर्स में सेव हो जाती है। इसके अलावा माय म्यूजिक, माय पिक्चर, माय वीडियो जैसे फोल्डर्स डिफ़ॉल्ट रूप से इसी में रहते हैं। यह फोल्डर डेस्कटॉप एवं स्टार्ट मेन्यू में रहता है। इसका प्रयोग हम दोनों जगह से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टास्क बार की। विंडोज़ का टास्क बार बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस पर उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम्स दिखाई देते हैं। यहाँ से हम प्रयोग किए जाने वाले प्रोग्राम क्लोज, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज भी किए जा सकते हैं। विंडोज़ एक्सपी में टास्क बार इम्प्रूव किया गया है, जिसमें टास्क बार को लॉक भी किया जा सकता है। इसमें टास्क बार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव भी किया जा सकता है। यदि अधिक प्रोग्राम ओपन हो जाते हैं तो उसकी ग्रुपिंग भी की जा सकती है, जिसमें दाईं तरफ नोटिफिकेशन एरिया होता है, जिसमें समय समय पर नेटवर्क या महत्वपूर्ण प्रोग्राम्स को जोड़ सकते हैं। यदि अधिक प्रोग्राम ओपन हो जाते हैं तो इसमें स्क्रॉलिंग भी की जा सकती है। इसी प्रकार स्टार्ट बटन, जब विंडोज़ को पहली बार चलाते हैं तो स्टार्ट मेनू स्वतः ही दिखाई देता है। इसके अंदर विंडोज़ के सभी प्रोग्राम्स एवं जो प्रोग्राम्स हम स्थापित करते हैं वे सब इसमें अपने आप जुड़ जाते हैं और उसको बाद में
स्टार्ट मेनू से प्रयोग किया जा सकता है। इसमें कंट्रोल पैनल, सर्च नेटवर्क आदि ऑप्शन होते हैं। इसमें माई कंप्यूटर्स की सेटिंग को चेंज किया जा सकता है। विंडोज़ एक्सपी में स्टार्ट बटन को कस्टमाइज़ भी किया जा सकता है। स्टार्ट बटन विंडोज़ का आधार होता है। कंप्यूटर्स को स्टार्ट करके प्रोग्राम को स्टार्ट बटन से ही ओपन किया जाता है। मेन्यू के अंदर सब मेन्यू होते हैं जो तीर के निशान से प्रदर्शित होते हैं। अब हम बात करेंगे फाइल्स एंड फोल्डर की। आप जानते हैं कि किसी भी कंप्यूटर्स में बनाई जाने वाली फाइलों को किसी माध्यम पर स्टोर किया जाता है, जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क इत्यादि। फाइल्स की बड़ी संख्या के कारण उन्हें विभिन्न समूहों या डायरेक्टरी में बांटकर रखा जाता है, ताकि कोई विशेष फाइल को ढूंढना तथा उसका प्रयोग करना आसान हो सके। किसी फाइल या फोल्डर को अगर आप हटाना चाहते हैं तो उसकी विधि निम्न प्रकार है। उस फोल्डर को ओपन करिए जिसमें वह फाइल या फोल्डर है जिसको आप हटाना चाहते हैं। सेकंड स्टेप, उस फाइल या फोल्डर को आप क्लिक करके चूज कर लीजिए। स्टेप नंबर 3, डिलीट की प्रेस कर फोल्डर को डिलीट करने का आदेश दिया जा सकता है। फोल्डर पर राइट क्लिक करके भी फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं। राइट क्लिक करने पर डिलीट ऑप्शन आएगा, जिस पर क्लिक करते ही वह आपसे डिलीट करने को पूछेगा। यदि आप यस बटन पर क्लिक कर देते हैं तो फोल्डर डिलीट हो जाएगा। विंडोज़ में हम फाइल्स या फोल्डर को किस प्रकार फाइंड आउट कर सकते हैं? विंडोज़ एक्सपी में स्टार्ट मेनू में उपलब्ध ऑप्शन से हम हार्ड डिस्क में किसी भी फाइल्स को ढूंढ सकते हैं। अनेक बार किसी आवश्यक फाइल के विषय में अगर हमें ज्ञात नहीं होता वह हार्ड डिस्क के किस ड्राइव या फोल्डर में है, तो इस स्थिति में फाइल को खोजने के लिए सर्च ऑप्शन ही एकमात्र साधन होता है। सर्च ऑप्शन में फाइल्स कई तरीके से खोजी जा सकती हैं। जैसे अगर हमें फाइल का नाम ज्ञात है तो हम सर्च कंपेनियन में ऑल फाइल्स या फोल्डर नाम देने पर उस नाम की सभी फाइल्स की सूची आ सकती है, चाहे वो किसी भी सॉफ्टवेयर में बनी हो या किसी भी ड्राइव में बनी हो। अगर हमें फाइल का नाम ज्ञात नहीं है तो हम वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स का उपयोग कर सकते हैं। जैसे सर्च मापदंड के रूप में ए एस्ट्रिक मार्क देने पर उन सभी फाइल्स की सूची आ जाएगी जिसका नाम ए से आता है। उपयुक्त चित्र में दिखाए गए सर्च विंडो में हमें बाईं ओर दिए गए सर्च कंपेनियन में चार मुख्य ऑप्शन मिलते हैं जो निम्नानुसार हैं। नंबर 1, पिक्चर, म्यूजिक और वीडियो। नंबर 2, डॉक्यूमेंट, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एटसेट्रा। 3, ऑल फाइल्स एंड फोल्डर्स। एंड नंबर 4, कंप्यूटर और पीपल। ये चार हमें ऑप्शन मिलते हैं। इन चारों ऑप्शंस की सहायता से हम अलग अलग परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की फाइल्स को खोज सकते हैं। जैसे उदाहरण के स्वरूप पिक्चर वीडियो को सर्च करना है तो पिक्चर वीडियो ऑप्शंस को सेलेक्ट किया जा सकता है और उस जगह एस्ट्रिक मार्क डॉट जेपीजी या एस्ट्रिक मार्क डॉट MP3 लिख के हम किसी भी फाइल्स को सर्च कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से किसी फोल्डर में एक नया फोल्डर आप बना सकते हैं। आप पहले से बने हुए किसी भी फोल्डर में एक नया फोल्डर बना सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित क्रियाएं कीजिए। नंबर 1, सबसे पहले उस फोल्डर को ओपन करिए जिसमें आप नया फोल्डर बनाना चाहते हैं। उस फोल्डर की विंडो स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी। इस विंडो के मेन्यू बार में फाइल विकल्प को चुनिए। इससे फाइल का पुल डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा। इस पुल डाउन मेन्यू में न्यू विकल्प पर माउस पॉइंटर्स को लाइए। इससे न्यू विकल्प का सब मेन्यू दिखाई पड़ने लगेगा। इस सब मेन्यू पर फोल्डर विकल्प को क्लिक कीजिए। ऐसा करते ही पुराने फोल्डर की विंडो में नया आइकन बन जाएगा जिससे न्यू फोल्डर का नाम दिखाई दे जाएगा। आप नए फोल्डर के लिए कोई नाम टाइप करिए तथा एंटर की दबाइए। इससे उसी नाम का फोल्डर बन जाएगा जो नाम आप देना चाहते हैं। इस प्रकार आप किसी भी फोल्डर में कोई भी और कितने भी फोल्डर्स बना सकते हैं। आशा है आपने इस विंडो में फोल्डर को बनाना सीख लिया होगा। धन्यवाद।